कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी डेवलपमेंट और SDGV प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों पर जारी काम तेजी से आखिरी मरहल में दाखिल हो रहा है। SDG प्रोग्राम फेज 2 के तहत 300 मिलियन रुपए लागत से 85 नए मंसूबों की निशानदेही कर ली गई। MPA चौधरी लियाकत अली बद्दर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के इजलास में बताई गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हुरम शहजाद ने भी इजलास से खिताब किया। MPA चौधरी सलीम सरवर जोड़ा, मियाँ अख्तर हयात, चौधरी मोहम्मद अरशद, इंचार्ज जहूर लाइट हाउस, खालिद सैफुल्ला, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जंगीर भट्ट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हुरम शहजाद ने इजलास को बताया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मजमू तौर पर 92 मनसूबों पर 700 मिलियन रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब तक 72 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, मुतद्दद तकमील पदीर है। उन्होंने बताया कि 450 मिलियन रुपए लागत से SDGs प्रोग्राम के तहत 94 मनसूबों में 73 की फिजिकल प्रोग्रेस 60% से जायद है। स्टेयरिंग कमेटी ने मनसूबे के तहत सुई गैस फ्राहमी के 21 मनसूबों की मंजूरी भी दे दी है। SDGs प्रोग्राम के फेज 2 के तहत नए मनसूबे गैपको, सुई नादरान गैस और पाक BWD के जरिए मुकम्मल किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हुरम शहजाद ने बताया कि म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात और जिला पार के म्युनिसिपल कमेटियां 120 मनसूबों पर काम का आगाज कर चुकी है। इन प्रोजेक्ट्स पर 274 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं। बल्दियाती अदारों के जेर इहतमाम इन मनसूबों पर तरक्याती प्रोजेक्ट के साथ नई मशीनरी की खरीदारी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अरकान असम्बली की मशावरत से नए ADP के लिए मनसूबों की निशानदेही, रवा माली साल और गुज़श्ता माली साल के मनसूबे भी तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट मिर्ज़ा खुर्रम हुसैन, वाइस ऑफ गुजरात।